हेलो गाइस, वेलकम बैक टू भोजपुरी। कैसे हैं आप सब? आज हम देखने वाले हैं झंझी की वीडियो, जो कि है हेलो कौन सेटिंग करा के जा। खेसारी लाल यादव, रितेश पांडे। खेसारी लाल यादव, यार खेसारी लाल यादव का नाम इसमें क्यों जोड़ा गया? मतलब टाइटल में खेसारी नाम। और चलिए वीडियो शुरू करते हैं, फिर देखते हैं कि इसमें खेसारी सर का नाम क्यों जोड़ा गया है। तो आइए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हाल है, ठीक है दोस्तों। आज हम एक बार फिर से उन्हीं पुरानी अंधेरी गलियारों में अपना गाड़ेंगे खूंटा, जहां पर जो व्यक्ति एक बार पहुंच जाए भैया बाहर आने का रास्ता ही 2-3 दिन बाद मिले। अरे कहना क्या चाहते हो? तो चलो ना यार, 256 नंबर का जूता घुसाते हैं पैर में और स्टार्ट करते हैं भोजपुरी की पुरानी गली में झंडी जी का नया भाषण। अरे बहुत गलत जगह से शुरुआत हो गई भैया, क्या है ये? नहीं, शुरुआत में ही सारे मजे दे दो, लास्ट में तो घास फूस ही मिलने वाले हैं। अरे मैडम तनिक आराम से हिलाओ, वरना जो प्लेट के मसाले हैं ना वो बाहर आ जाएंगे। अरे साला कैसी शर्त है ये? सारी जिंदगी दाल रोटी खाने के लिए मजबूर कर रही है लड़की, लक्षण ठीक नहीं लग रहे मुझे। अरे इस शर्त पर तो कोई लड़का राजी नहीं होगा ना। ये तो मान गया लौंडा। अरे वैसे इस सिंगल पसली के साथ और कर भी क्या सकता है ये? हाँ ये बात तो 99% सही है, कुंदन बिहारी इतना भारी कि दूर से आता हवा का झोंका भी कुंदन बिहारी को देखकर अपना रास्ता बदल लेता है। नहीं एक बार, सिर्फ एक बार इस 1.5 किलो मटन वाले शरीर को देखो। किराने की दुकान में फुटकर में बिकने वाली छोटी इलायची भी इससे बड़ी होगी, बड़ी होती है। काम कोशिश चल रही है खुलेआम लेने देने की बात करते हुए, शर्म नहीं आती तुम लोगों को? फाटल जगहिया? अरे मैडम वो नेचुरली फटा होता है, अगर उसे सील दोगी तो बेचारा खा तो लेगा पर निचोड़ेगा कैसे? हिंदी फिल्मों की हीरोइनों को तो आपने आंखों से गोलियां चलाते हुए देखा ही होगा, और अगर देखा नहीं तो कम से कम सुना तो जरूर होगा, और अगर आपने सुना भी नहीं तो किस दुनिया में जी रहे हो भैया? देश के कल्चर के बारे में बेसिक चीजें भी आपको पता नहीं है? सोचो अगर कल को कोई NRC वाला आपके घर पे धमक पड़ा तो कैसे साबित करोगे कि तुम हिंदुस्तानी हो? अरे उठाकर बांग्लादेश या पाकिस्तान फेंक दिए जाओगे। तो कम से कम इतनी बेसिक चीजें तो पता होनी ही चाहिए ना। सही बात है। वो जमीन जिसे एशिया में आपको 2 वक्त की रोटी दी उसे छोड़कर चले जाएंगे आप? वो जमीन जिसके दम पर आपने घर बसाया, शादी की, मुन्ना की, परवरिश की उसे छोड़कर चले जाएंगे आप? वो जमीन जमीन नहीं, आपकी इज्जत है भैया, इज्जत। और इज्जत से बढ़कर कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। अरे चिंता ना करो, CAA के तहत हम आपको नागरिकता दे रहे हैं, लो सुन लो। अपने दीवाने का कर दे पूरा, रे की अखियों से गोली मारे। हाँ तो ये अखियों से गोली मारने की जो खतरनाक तकनीक है इसका कॉपीराइट हिंदी फिल्मों की हीरोइनों के पास है, लेकिन भैया हमारे भोजपुरी में तो कतई अलग ही भाषण है। के हुना हमसे बोले बारूद के हाई गोले रे, गोले रे, गोले रे।
अब तो इंडियन आर्मी से एक ही रिक्वेस्ट है कि भैया भोजपुरी की 4-5 हीरोइनें उठाओ और ले जाकर दुश्मन देश पर फेंक दो यार, पूरी दुनिया पर अपना ही कब्जा होगा। ये सही बात वाली। वाह मजा आ गया भाई, ने क्या गाना लिखा है, वाह क्या गाना लिखा है। जिसने भी ये गाना लिखा है ना, पूरे पौने 2 जूते की सलामी है उसको। और जितने लोग भी मोतिहारी से मेरी वीडियो देख रहे हैं ना, वो इस गाने को एक बार फिर से सुनो। वाह गर्व महसूस हुआ, हुआ ना? मतलब कुछ भी लिरिक्स बना दो भाई। मानसिक रूप से बीमार हुआ, अपना इलाज कराओ, ये गर्व की नहीं शर्म। सही में। अरे शर्म करो, कंजरी मादे बचियो, दगड़दल्ली मादे बचियो। अभी भी जिन 1.5-1.75 लोगों को बात समझ में नहीं आई, उनको मैं आसान भाषा में समझाता हूँ। क्या आपके घर का बच्चा चोली खोलता है? अगर बात समझ में आ जाए तो कमेंट में लिखना है। चल भाई आगे बढ़। बुलाई हो तो आएंगे, तरसाते में हम खाएंगे, और तुम्हारे बच्चों का मामा कहलाएंगे। सोचो जब तुम्हारे बच्चे मामा मामा चिल्लाएंगे तो क्या मुंह दिखाएंगे। अरे गर्लफ्रेंड के सताए हुए मजबूर प्राणी, ऐसे काम करते ही क्यों हो। सही बात। हिंदुस्तान में जितने भी दिल जले आशिक हो ना, जरा सोचो कि जिससे आप प्यार करते थे उसी की शादी में बाराती आपसे कहे चल बे पूरी डाल, कैसा लगेगा। अरे यही तो है गलत लाइन, जलाई हो जलने दो। अरे क्यों जलने दो भाई, जलाई हो जलाएंगे, पत्थर दिल बन जाएंगे। गर तूने की है बेवफाई तो चल हट, हम भी तेरे हाथ ना आएंगे। अच्छा मान लो कि आपकी कोई प्रेमिका है, नहीं मान लो मानने में क्या जाता है, और वो एक दिन आपसे आकर ये कहे, एजा एगो बात सुन लो, हा का एगो खुशखबरी बा। खुशखबरी का बा, बोला ना। हमार शादी सेट हो गई। तो आपका क्या रिएक्शन होगा? अगर इस चौखट पर बारात आई तो डोली की जगह उनकी अर्थियां उठेगी, और सबसे पहले अर्थी उसकी उठेगी जिसके सर पर सहरा होगा। लाशें बिछा दूंगा लाश। अरे भैया आराम से यार, तुम तो डरा ही रहे यार। हाँ तो आपका रिएक्शन कुछ ऐसा हो सकता है, लेकिन भैया हमारे खेसारी लाल यादव का अलग ही स्वैग है। का डीजे डीजे डीजे, ये कौन बीमारी हो गई हो? ये बीमारी ना हो। अरे मैडम ये बीमारी नहीं महामारी है, दांत खाज खुजली की तरह फैलते जा रहा है, जहाँ देखो वहीं डीजे बज रहे। स्पीकर का वॉल्यूम उसको तेज पसंद है, बेबी को बेस पसंद है। बेबी को बेस पसंद है या मिल्क शेक पसंद है, इसकी चिंता करने से अच्छा है कि आपके आस पड़ोस में अगर कोई महिला के पेट में जो बेबी पल रहा है उसकी चिंता करें। दीजे, दीजे, दीजे। क्या डीजे की इतनी तेज आवाज आपके घर के छोटे बच्चों के कानों के लिए ठीक है? डिप्रेशन सिचुएशन। क्या उनके कान इतनी तेज आवाज सुनने की क्षमता रखते हैं? डीजे ऐसे मुंह से मत बोला जाए। तो कहाँ से बोले? क्या किसी महिला के पेट में पल रहे बच्चे को ये डीजे की आवाज नुकसान नहीं पहुंचाएगा? पहुंचाएगा बहुत ज्यादा। ये आपकी जिम्मेदारी है कि आपके आस पड़ोस में कहीं पर भी अगर डीजे बज रहा है तो आप उनको जाकर समझाएं कि भैया थोड़ा आवाज कम कर दे। है जा, 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 जा। ऐसा भी होता है।
हमको तो पता नहीं था। लेकिन ये मोदी जी का कॉपीराइट है, बता रहे हैं हम, मोदी जी का कॉपीराइट है ये, 1000 के बदले 2000 देना, मोदी जी का कॉपीराइट है। अरे माँ चुदी पर ही अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना, वरना मैं तेरा घंटा बजा दूंगी। मैं अंडे फोड़ दूंगा, चल सब्सक्राइब कर जल्दी से। कर दो यार, तुम्हारे पैसे थोड़ी ना कट रहे, कर दो। तो यार ये थी वीडियो, और क्या रोस्ट किया है जबरदस्त। मतलब यार इसमें पहली बात तो ये है, भोजपुरी में ना मतलब थोड़ा सा जो ये अपना पिछवाड़ा हिलाने का ट्रेंड चल रहा है ना, थोड़ा सा कम हो जाए तो आई थिंक ज़्यादा बेटर लगेंगे सॉन्ग्स। और ये दूसरी चीज़, इन्होंने जो लास्ट में बोला यार, अपने आप फंक्शन कराते हैं, आप सेलिब्रेशन कीजिए, आप लोगों में मिठाइयाँ बांटिए, अगर म्यूज़िक सुनना भी है तो आप चला सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप चलाना मना है। बट जो लोग हार्ट पेशेंट हैं, जिन लोगों को सांस में दिक्कत होती है, या जो छोटे बच्चे हैं, आप ही समझ लीजिए 5 साल तक के बच्चे के लिए हार्मफुल होता है डीजे। अब डीजे की जो वॉल्यूम होती है, उनके जो ब्रेन डैमेज और ब्रेन में जो सुनने की क्षमता होती है उसको कम कर देता है, मतलब उनके लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है, और प्रेग्नेंट लेडी के लिए तो बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होता है। और एक जो नवजात शिशु होता है, जो 1 महीने का भी नहीं हुआ होता है, तो उसके लिए भी वो बहुत हार्मफुल है। इसीलिए जब दिवाली का टाइम आता है और कोई न्यू बॉर्न बेबी होता है, उसके कानों में हम रुई लगा के रखते हैं, ताकि अगर नॉइस पोल्यूशन हो तो उसके दिमाग को या उसके सुनने की जो पावर होती है उसके लिए कोई हार्मफुल ना हो। और उसको तभी तो बोलते हैं, जिस रूम में न्यू बॉर्न बेबी रखा जाता है, जिस रूम में वो लेडी रखी जाती है जिसको बेबी हुआ होता है, तो उन लोगों के रूम में बोला जाता है कि धीरे से बात करें, ताकि बच्चे को वो हार्मफुल ना लगे। धीरे से बोलना, धीरे से बात करना, वो सब चीज़ें एटमॉस्फेयर उसी हिसाब से क्रिएट किया जाता है कि बच्चे के लिए हार्मफुल ना हो। और यार आप लोगों के लिए सबसे ज़रूरी क्या होता है, आपके बच्चे, तो यार प्लीज़ थोड़ा सा डीजे का अवॉइड कीजिए। अगर आप चलाना चाहते हैं आप चला सकते हैं, ऐसा मना नहीं कर रही हूँ मैं कि हाँ आप चला नहीं सकते हैं, आप चलाइए, बट वॉल्यूम थोड़ा सा कम, वॉल्यूम थोड़ा सा कम होगा तो आई थिंक सब लोगों के लिए बेटर ही होगा। बाकी यार वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त थी, बहुत ही प्यारी वीडियो थी, और बहुत ही अच्छे से रोस्ट किया है इन्होंने। और लास्ट में जो खेसारी सर का गाना लिया है कि ससुराल जा रही है तो जा अपनी सहेली से सेटिंग करा के जा, वो भी बहुत अच्छा है। अच्छे तो ये काफ़ी अच्छी वीडियो है, आई थिंक आपको एक बार वॉच ज़रूर करनी चाहिए। ओरिजिनल वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ भी जाके आप विजिट कर सकते हैं। और मेरी रिएक्शन और मेरे वीडियो पसंद आए हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।